नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, यानी कि बिना ऑनलाइन आवेदन किए ही 10,000 रुपया आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा, जो भी मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि मिलता है। तो इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप बिहार से हैं, स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है। अगर स्टूडेंट के माता पिता ही वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम लिए कर देते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, वरना लाइक मत करिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले के पेपर कटिंग दिखलाई दे रही, जो कि 9 अप्रैल 2023 को पेपर कटिंग रिलीज किया गया था। इसी में सारा जानकारी दिया गया है स्कॉलरशिप के लेकर, यानी मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के रिलेटेड, यानी किस तरह बिना किए हुई ऑनलाइन आपको 10,000 रुपये मिलेगा लड़का लड़की दोनों को, इसमें जानकारी दी है। देख सकते हेडिंग में बताया गया मैट्रिक प्रोत्साहन राशि को नहीं करना होगा आवेदन, ठीक है। यानी मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि के लिए अब आपको आवेदन नहीं करना होगा। तो पैसा भाई किस तरह मिलेगा इसमें बताया गया, देख सकते हैं। अब चलिए बारी बारी से यहाँ से पढ़ते डिटेल पर समझते हैं किस तरह मिलेगा। बताया गया पटना, यानी राज्य सरकार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके लिए अब बच्चे को कोई भी आवेदन नहीं करना होगा, ठीक है। जो भी इसमें जानकारी निकल, बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है, जो कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, यानी कि जो इस लड़का का जो पैसा मिलता है तो किस योजना के अंतर्गत मिलता है, तो बिहार सरकार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, और जो लड़कियों का पैसा मिलता है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत, यानी लड़कियों को पैसे मिलता है उसमें बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है बिहार सरकार, यानी शिक्षा विभाग। बताया गया इसके लिए अब बच्चे को कोई आवेदन नहीं करना होगा, प्रोत्साहन राशि अब सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी। वर्ष 2024 में जो परीक्षा फल प्रकाशित होगा उसमें सभी ये व्यवस्था लागू होगी, ठीक है। यानी जो अपडेट निकल कर आ रही है 2023 के लिए नहीं, बल्कि 2024 में जो भी विद्यार्थी यानी एग्जाम देंगे और जो परीक्षा फल जारी होगा उसी के रिगार्डिंग, यानी आपको ये पैसा मिलेगा जो कि बिना ऑनलाइन किए ही मिलेगा। देख सकते हैं जो वर्ष 2024 में जो परीक्षा फल प्रकाशित होंगे उसमें यह नई व्यवस्था लागू रहेगी, यानी जो भी स्टूडेंट 2024 में मैट्रिक एग्जाम देंगे लड़का या लड़की दोनों को, यानी जो 2024 में उसी के द्वारा ये लागू किया जाए। वर्ष 2024 में जो परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, रिजल्ट आपका जारी होगा, उसमें ये नई व्यवस्था लागू होगी। बताया गया देख सकते शिक्षा विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति समन्वय बनकर इस योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। पिछले साल लगभग 4.25 लाख लड़का लड़कियों का 437 करोड़ रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया गया है। इस साल यह राशि बढ़कर इस वर्ष लगभग 475 करोड़ रुपया वितरित होने की अनुमान है, ठीक है। जो लागू होगा उस समय 475 करोड़ रुपया वितरित होने का अनुमान है। बताया गया देख सकते समय राज्य सरकार प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास करने वाले बच्चों को 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है, या एक तरह से उनके लिए छात्रवृत्ति जैसी ही है, ठीक है। जो मैट्रिक अगर पास करते हैं लड़का लड़की फर्स्ट डिवीजन से उनको 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। यही अपडेट निकल कर रही। तो दोस्तों इसके हम जानकारी के लिए बताते हैं कि ये जो परीक्षा फल जारी होगा, यानी जो एग्जाम होगा 2024 में, उनके रिगार्डिंग ये अपडेट आया है, यानी कि जो उनका जो पैसा है यानी कि उनको मिल जाएगा। अब इस किस तरह मिल जाएगा इसमें और जानकारी दिया। बताया गया जैसे परीक्षा के समय ही ले लिया जाएगी जानकारी, ठीक है। जो भी आपका जानकारी है बैंक से रिलेटेड, आपके आधार कार्ड से रिलेटेड, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल आईडी, जो भी आपका जानकारी परीक्षा के समय ही ले लिया जाएगा। तो अब आपके एग्जाम सेंटर पर नहीं, ये मत समझिएगा कि आपका एग्जाम सेंटर पर ये सारा चीज ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देख सकते क्या जानकारी दिया, बताया गया जैसे तो क्या जानकारी दी है, बताएगी इसमें इस साल से मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म भरने के समय ही बच्चे से पूरी जानकारी ले लीजिएगा। यानी जो भी ये परीक्षा फॉर्म आप भरने जाते हैं उसी समय आपकी पूरी डिटेल्स ले ली जाएगी, ठीक है। यानी कि जो बैंक अकाउंट है, आधार नंबर है, यानी ईमेल आईडी है, फोटो वगैरह, सिग्नेचर जो भी है, यानी सारा डिटेल्स ले ली जाएगी। उनके बैंक खाते का विवरण और आधार संख्या समेत सभी जानकारी होगी। इससे अगले साल जब उनके प्रोत्साहन राशि मिलेगी तो किसी प्रकार की जानकारी नहीं लेनी होगी। विद्यालय यानी परीक्षा समिति ने पुष्टि होने के बाद सीधे उनके बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, ठीक है। जो भी आपका परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के समय बोल सकते हैं, उसी समय सारा जानकारी आपकी ले ली जाएगी, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, जो भी आपके जानकारी है, ईमेल आईडी, उसी समय आप परीक्षा देंगे। अगर फर्स्ट डिवीजन पास होंगे तो सारा डिटेल्स तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास रहेगा, बोर्ड के पास रहेगा। फर्स्ट डिवीजन आएंगे तो आपको जो भी पैसा है उनके बैंक अकाउंट में सीधे भेज दी जाएगी। यही अपडेट निकल कर रही है। तो आपको वीडियो जरूर अच्छा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर लीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से जुड़ी हम सारा जानकारी आपको अपडेट धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। जैसे तो बताया गया, हमारा प्रयास है कि हम अगले वर्ष ऐसा ही अभ्यर्थी को परीक्षा फल उन प्रकाशन के बाद सीधे उनके बैंक खाते में भेज दें। बच्चे को भी फिर से आवेदन प्रक्रिया नहीं गुजरना होगा। दीपक कुमार जोशी जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, उन्होंने ये जानकारी दी है। जैसे तो बस 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि सरकार देती है प्रथम श्रेणी पास करने वाले स्टूडेंट को। तो यही अपडेट वीडियो था, वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। आपको यह पेपर कटिंग चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, आपको वहां से पेपर कटिंग मिल जाएगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं।